सब्सक्राइब कीजिए विंगो लैब्स चैनल को ताकि आप पा सकें लेटेस्ट टेक अपडेट रोजाना और साथ ही कनेक्ट करें अपनी इमेजिनरी टेक्नोलॉजी टू रियल टेक वर्ल्ड। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है इस विंगो लैब के एक और फ्रेश एपिसोड में। मैं हूं मुकुल अग्रवाल, लेके आया आपके लिए बहुत ही लेटेस्ट कमाल के टेक अपडेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलते हैं, रिलायंस जियो ने आपकी बात मई में, अगर बात करें स्पीड के मामले में, इंटरनेट स्पीड के मामले में तो बाजी मार ली है। अब की बार वो आया है नंबर वन पोजीशन पे, जिसकी डाउनलोड स्पीड जाती है पीक पे कितनी 22.3 मेगाबिट्स पर सेकंड की। अब की बार मई में रिलायंस जियो की गई है सबसे ज्यादा स्पीड। उसने एयरटेल को भी पीछे छोड़ दिया, आइडिया को भी लिए और वोडाफोन को भी पीछे छोड़ दिया। क्या आपकी में आती थी इतनी स्पीड मई के मई में, बताइए नीचे कमेंट करके। और हाँ, और अपलोडिंग में TRAI ने रिपोर्ट दी है कि उन्होंने जो फर्स्ट नंबर पे आया वो है आइडिया। वैसे आपको पता है TRAI है क्या, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या करती है टेलीकॉम ऑपरेटर्स, नीचे कमेंट करके बताइए। अगर नहीं पता तो पूछिए, मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट अपडेट पे चलते हैं। कॉर्निंग जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग है ग्लासेस की, जो स्मार्टफोन्स में जब आगे डिस्प्ले में लगते हैं, आगे जो ब्रेक ना हो प्रोटेक्शन के लिए जो ग्लास लगते हैं, वो जो मैन्युफैक्चरिंग करती है कॉर्निंग, वो बोलती है कि हमने अब एक ग्लास को मैन्युफैक्चरिंग किया है जिसका नाम आता है गोरिल्ला ग्लास 6। वो बोलते हैं कि हाँ, अब ये जो ग्लास हमने बनाया वो सबसे ज्यादा अब तक का स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लास निकल के आएगा, जो कि होगा मोस्ट ड्यूरेबल ग्लास अब तक का। नेक्स्ट अपडेट पे चलते हैं। सैमसंग ने अनाउंस कर दिए एक चिप। वो बेसिकली क्या चिप है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स चिप है जिसमें वो बोलते हैं कि हम उस चिप में 8GB की रैम देंगे और वो चिप अपकमिंग मोबाइल्स में डायरेक्टली इनबिल्ट होगी। इसमें वो बोलते हैं कि जो मोबाइल्स के अंदर फीचर्स होंगे 5G के फीचर्स होंगे वो उसके अंदर डायरेक्टली बिल्ट होंगे, वो हैंडल कर सकती है 5G का और मोस्ट पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वो हैंडल कर सकती है। उस हिसाब से इन्होंने एक चिप बनाई है जो कि होगी 8GB रैम को कंपेटेबल कर सकती है। नेक्स्ट अपडेट पे चलते हैं। वीवो फाइनली इंडिया में एक मोबाइल अपना लॉन्च कर दिया है, इसका नाम आता है वीवो नेक्स, जिसमें वो अपने बेहतरीन पेटेंट्स पे काम कर रहा था। उसने इस मोबाइल पे लॉन्च किया है जिसमें निकल के आता है पहला पॉपअप कैमरा होगा इसमें, जिसमें फ्रंट जो कैमरा होगा वो आगे स्क्रीन में नहीं लगा होगा, वो पॉपअप कैमरा होगा, निकल के आएगा पटक करके और वो आपके लिए सेल्फी ले लेगा। और इन बिल्ट स्क्रीन में जो होगा ना, स्क्रीन पे वो होगा आपके पास फिंगरप्रिंट स्कैनर। पीछे जो आप तक अब जब फोन आ रहे थे जो पीछे आप स्कैनर कर रहे थे उंगली लगा के, अब वो नहीं, अब आप आगे स्क्रीन पे लगा के ना अपने फिंगर्स को खोल सकते हैं लॉक। ये दो फीचर्स वो बहुत दिनों से काम कर रहा था, अब इस मोबाइल में डाला। और अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें जो स्नैपड्रैगन निकल के आता है क्वालकॉम का, वो आता है 845 का, जो कि बेहतरीन फास्टेस्ट स्नैपड्रैगन का वर्जन है अभी तक का। और अगर ये बात करें तो किस किस को कॉम्पीट दे रहा है, ये दे रहा है वन प्लस 6 को, SS Z Fold 5Z को, ओप्पो के Find X को, और अगर एप्पल की बात करें तो एप्पल के iPhone 8 और iPhone X को। और अगर हम बात करें गूगल के मोबाइल्स की तो गूगल पिक्सल 2 को कॉम्पीट दे रहा है, बेहतरीन मोबाइल निकल के आया है। और अगर प्राइस की बात करें तो 45,000 रुपीज़ का कमाल का मोबाइल निकल के आया है विद मज़े आ गए इस मोबाइल पे। और इस वीवो के लिए जो कमाल का काम किया इसने इस मोबाइल पे, तो 1 लाख तो बनता है बॉस। नेक्स्ट अपडेट पे चलते हैं। आपको अब मिल रहे हैं कुछ डिस्काउंट्स किस पे, अमेजन के इको डॉट पर और गूगल के होम मिनी पर। निकल के आता है कि गूगल होम मिनी आपको दे रहा है 2500 रुपये में और वो अमेजन इको डॉट मिल रहा है आपको 3000 रुपये में। ये आप परचेज कर सकते हो फ्लिपकार्ट की सेल्स पे और अमेजन की सेल्स पे। वैसे आपको आपको कौन सा होम स्पीकर पसंद है, गूगल का मिनी होम या फिर अमेजन का इको डॉट, क्योंकि अमेजन का इको डॉट थोड़ा सा महंगा है 500 रुपीज़, तो आप कौन सा लेना
लेना पसंद करोगे नीचे कमेंट करके बताइए। और अगर आप पसंद करोगे क्या होम स्पीकर लेना, क्या आपको यूजफुल लगता है डेली लाइफ में, क्या आप वो पूछना चाहोगे कि क्या टेम्परेचर हो रहा है, क्या डेट है, क्या आप उससे अपना डेली शेड्यूल पूछना चाहोगे, कुछ आंसर्स करना चाहोगे, क्या आपको बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगती है। नेक्स्ट अपडेट पे चलते हैं। रिसर्च निकल के आती है कि एक मैग्नेटाइज वायर है, अगर वो बॉडी के वीन्स में जो हर्ट्स की जो पाइपलाइंस होती हैं उसके अंदर थ्रेड किया जाए तो आपको अर्ली स्टेज में कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का पता चल सकता है। तो एक बेहतरीन अपडेट निकल जाता है। साइंटिस्ट लोग इस बात पे लगते हैं कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है दिन पे दिन। नेक्स्ट अपडेट पे चलते हैं। सैमसंग और ज़ोमी दोनों ने अब की बार 9.9 मिलियंस के मोबाइल इंडिया में शिफ्ट किए हैं। और ये भी निकल के आती है कि उन्होंने रिसर्च की 60% की शेयर्स उन्होंने अपने हाथों में ले लिए दोनों ने मिलके, कि जो इंडिया में मोबाइल शिफ्ट होते हैं 60% शेयर उन्हीं का ही होता है। कितनी बड़ा है, पहली पिछली बार था 43%, जो कि ये रिसर्च निकल के आती है वो आती है सेकंड क्वार्टर ऑफ दिस ईयर में। तो अच्छा अपडेट है, मतलब इससे पता चलता है कि सैमसंग और ज़ोमी दोनों ने मोबाइल पर कब्जा कर रखा है बुरी तरह से इंडिया में। आपके पास कौन सा मोबाइल है, क्या आपके पास सैमसंग और ज़ोमी के अलावा कोई है मोबाइल अभी इस वक्त, नीचे कमेंट करके बताइए। क्योंकि सैमसंग और ज़ोमी दोनों ने बुरी तरह से कब्जा कर रखा है, लिटरली एक ना एक घर में मोबाइल होता ही होता है इसका, क्योंकि कमाल के फीचर्स देता है और कम दाम में देता है ज़ोमी तो खासकर। नेक्स्ट अपडेट पे चलते हैं। नोकिया ने आज इंडिया में एक अपना मोबाइल लॉन्च किया है जिसका नाम आता है नोकिया 3.1। जिसके पिछले अपडेट पे मैंने आपको बताया था कि नोकिया ने चाइना में एक मोबाइल लॉन्च किया है जिसका नाम आता है नोकिया 5.1 प्लस, जिसकी मैंने आपको स्पेसिफिकेशन प्राइस सब बताई थी, जिसमें आपको प्राइस बताई थी 10,000 रुपीज का। और अगर हम नोकिया 3.1 की बात करें जो इंडिया में लॉन्च किया है उसकी प्राइस है 10,000 रुपीज की, सॉरी 10,500 रुपीज की। अगर कंपेयर करें नोकिया 5.1 प्लस और नोकिया 3.1 में तो प्राइस चाइना में उस हिसाब से ठीक है, इंडिया में थोड़ा सा महंगा लगता है। ये देखते हैं कि अभी नोकिया क्या चाहता है इंडियन यूज़र से, क्योंकि नोकिया कैसे हैं काफ़ी लवर्स इंडिया में खरीदते हैं नोकिया के मोबाइल्स, तो नोकिया उनके लिए थोड़ा तो और अच्छा काम करे, मुझे लगता है थोड़ा महंगा है और अच्छा काम कर सकता है ये। नेक्स्ट अपडेट पर चलते हैं। अब आप अपनी अपर बॉडी से ड्रोन्स को मूव कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। एक रिसर्च निकल के आती है, कहाँ से, EPFL जो कि एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है स्विट्जरलैंड में, वो बोल रहे हैं कि हम अब अपर पार्ट से ड्रोन को कंट्रोल कर सकते हैं। बस आज के लिए इतने अपडेट्स, उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो आज का पसंद आया होगा। और अगर आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो नीचे कमेंट कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि रोजाना मैं आपके लिए ऐसी कमाल की टेक अपडेट्स लाता रहूंगा। अभी के लिए चलते हैं, बाय, लव यू ऑल।